मोदी तो भगवान है, मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं मोदी जी जैसा आदमी ना हुआ है ना होगा आगे चल के, मैं ये बात दावे से कह रही हूँ। और रोजगार नहीं दे पा रही, ये जो हमारे नए भाई बहन इतने अच्छे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाए? हम ही फैलाते हैं, हम ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। नोटबंदी से काम तो धीमा हो गया, थोड़ा बिजनेस डगमग हो गया है, संभालने में टाइम लगेगा। सारा दिन हो गया 500 की दुकानदारी नहीं करी, लेकिन हम GST नंबर लिए बैठे हैं। मोदी सरकार ने आर्डर किया है तो हम GST लिए। जो केंद्र में है वो मोदी ही आना चाहिए, केंद्र में मोदी ही आना चाहिए। और चाहे कोई घर पे खाना बने चाहे ना बने, लेकिन मोदी को केंद्र में आना चाहिए। भैया मोदी तो भगवान है, मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं मोदी तो भगवान है, मोदी जैसा न कोई हुआ है न कोई होगा। ये दावा है एक महिला का, राजधानी दिल्ली की एक महिला का, जो मानती हैं कि मोदी हर मोर्चे पर नाकाम है, फिर भी मोदी तो भगवान है। रोजगार देने में फेल हैं मगर मोदी तो भगवान है। भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे हैं मगर मोदी तो भगवान है। महंगाई से बेहाल हैं फिर भी मोदी तो भगवान है। नोटबंदी ने बुरा हाल कर दिया फिर भी मोदी तो भगवान है। GST से ये छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए मगर मोदी तो भगवान है। दरअसल ये सब जो आप देख रहे हैं वो कॉमेडी नहीं, इस समाज का आईना है। जो कुछ आप सुन रहे हैं वो कोई जोक नहीं, मीडिया द्वारा बनाई गई आम धारणा है। इसलिए गंभीरता से इस पूरे वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें कि इस देश की मीडिया ने कैसे आम आदमी के मन में अपने विचार भर दिए हैं, कैसे आम आदमी के मस्तिष्क में मोदी की महानता के किस्से ठूंस दिए हैं। आप कह रही थी कि मोदी जी भगवान हैं, तो आप बताइए कि क्यों भगवान है, हमें बताइए। मोदी जी जैसा आदमी ना हुआ है ना होगा आगे चल के, मैं ये बात दावे से कह रही हूँ। क्या आप कह रहे हैं कि मोदी जी भगवान हैं? तो वजह बताइए, क्या काम कर दिया है? आज उनकी दिख नहीं रही है कि मतलब आज उनका ये पता नहीं चला, जो मोदी जी ने अस्पेरे काम किया। मतलब जैसे भगवान नहीं दिखाई देते वैसे मोदी जी का काम नहीं दिखाई देता। जी हम ये बात बराबर कहना चाहते हैं कि जो मोदी जी बाहरी काम कर रहे हैं ना, हमें तो दिखला कि हमने पका लिया खा लिया। आदमी को देखो बाहर से कैसे कमा के लाता है, दो पैसे कैसे कमाता, सर की गाली खाता, सर के जूते उठा के ऑफिस से बाहर रखता, साफ औरतों ने तो बना लिया खा लिया। और उनको देखो कितना उन्होंने बाहर बाहर कितने लोगों से जोड़ा है, देसी लोगों से, सब लोग कैसे मिल के चले हैं, ये देखो। किसी से बुराई हुई है मोदी जी की? तो मतलब वो बाहर बाहर काम कर रहे हैं? सब काम कर रहे हैं, काम की हम ये नहीं कर रहे। उन्होंने पूरी भारत में भी काम करा, अच्छा काम किया। रोजगार नहीं दे पा रही, ये जो हमारे नए भाई बहन इतने अच्छे पढ़े लिखे घूम रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है अभी है? भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाए? हम ही फैलाते हैं, हम ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, फैलाते तो हम ही लोग हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कभी ना खत्म हुआ है, चाहे इस जगह मोदी हो, चाहे इस जगह राहुल गांधी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भ्रष्टाचार तो कभी खत्म हो ही नहीं। जब नशा नहीं खत्म होगा तो भ्रष्टाचार कहाँ से खत्म हो जाए? नोटबंदी से काम तेज हुआ था, धीमा हुआ था क्या? नोटबंदी से काम तो धीमा हो गया, थोड़ा बिजनेस डगमग हो गया है, संभालने में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत फर्क ज्यादा पड़ गया इससे। नोटबंदी सही कराई, ऐसी बात, जो बड़े आदमी थे उनके पास बहुत पैसा था, दबा रखा था, कम से कम थोड़ा तो उनका कम हुआ है, जाके थोड़ा पब्लिक में भी आया। दिक्कत गरीब को हो रही थी कि अमीर को? दिक्कत ज्यादातर गरीब को तब हो रही थी, अब अमीर को दिक्कत हो रही है जब से नोटबंदी हुई है। नोटबंदी हुई है? हाँ, तो नोटबंदी के बाद लाइन में अमीर लगा था कि गरीब? लाइन में तो गरीब लगा था, लगाया किसने था? अमीर आदमी ने लगाया था, पैसा उनके पास था, लाइन उनको गरीब को लगा दिया। भाई उसको तो दिहाड़ी बनानी है, तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम छुट्टी कर दोगे तो वो जाएगा कहाँ? कम से कम उसको तो 500 दिहाड़ी मिलेगा, वो तुम्हारे लाइन में लगे रहेगा। लगाया तो बड़े आदमी ने था उसको। GST भी सामानों पे लगा दी गई है? GST दार आदमी हम भी, GST हम पढ़े लिखे एक अक्षर नहीं, हम दूसरे से चेक भरवाते हैं अपना, दूसरे से फार्म भरवाते, लेकिन हम GST लगे, हमारी छोटी सी दुकान, फिर भी हम GST नंबर ले रखे। सारा दिन हो गए 500 की दुकानदारी नहीं करी, लेकिन हम GST नंबर लिए बैठे। मोदी सरकार ने आर्डर किया है तो हम GST लिए। दिल्ली की सरकार जो है यही बननी चाहिए, ये तो सही है सरकार दिल्ली की। दिल्ली की मतलब केजरीवाल की बननी चाहिए। आप इतनी तारीफ की मोदी की, मोदी को भगवान? मोदी जो केंद्र में है वो मोदी ही आना चाहिए, केंद्र में मोदी ही आना चाहिए।
और चाहे कोई घर पे खाना बने चाहे ना बने, लेकिन मोदी को केंद्र में आना चाहिए। तमाम समस्याओं से परेशान ये महिला, मोदी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम पाने वाली ये महिला बार बार मोदी को भगवान बता रही है। तो सवाल उठता है कि मोदी की ऐसी छवि गढ़ता कौन है, मोदी को हीरो, मसीहा और भगवान बताता कौन है। तब कटघरे में खड़े मिलते हैं इस देश के कथित पत्रकार, तब कटघरे में खड़े मिलते हैं इस देश के कथित कलाकार। देखें ये नमूने। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहाँ से वहाँ चला जाए। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। 3 महीने में पूरा देश नाप डाला था नरेंद्र मोदी ने। यही नहीं, औसतन हर 7वां दिन मोदी ने विदेश में बिताया। जब अपनी चाल में मोदी चलते हैं मस्त, तो बड़े बड़े सूरमा हो जाते हैं पस्त। सबकी ताकत पड़ जाती है इनके आगे कम, तभी तो ये कहलाते हैं राजनीति के सिंघम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना छुट्टी लिए काम करते हैं, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन सवाल उठता है कि पीएम को इतनी एनर्जी कैसे मिलती है, उनका डेली का रूटीन क्या है। ऐसे कई पर्सनल सवाल हैं जो हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। उसके जवाब के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी कितने घंटे सोते हैं, सोने से पहले क्या करते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले उनका काम क्या होता है और क्या करते हैं वो। क्या पीएम जब कहीं भी दौरे के लिए जाते हैं तो उनका रसोईया उनके साथ होता है। पीएम का पसंदीदा दिन कौन सा है। ऐसे कई सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं, जिनका जवाब आज पीएम मोदी खुद इन सवालों का जवाब देंगे। मोदी जी, आखिरी सवाल ये है, आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं, और दूसरी तरफ आपका परिवार भी इतना बड़ा, 125 करोड़ का आपका परिवार है, छुट्टी आप कभी नहीं लेते, और मैंने ये सुना है कि जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो रात में ट्रैवल करते हैं, कहीं आप रात में रुकते नहीं हैं, हवाई जहाज़ में आप अपनी रात बिताते हैं, तो ये एज में अभी इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते हैं, क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज आपकी एनर्जी ऐसी है कि कोई देश के जो युवा हैं उनको भी शायद शर्म आ जाए। मैंने ये आंकड़े तो सब इस तरफ रख दिए हैं, अब आपसे और कुछ पूछना नहीं है। बस यही था कि कभी आप जब हवाई जहाज से बाहर खिड़की की तरफ देखते होंगे तो कभी आपको अपने बारे में भी कभी लगता है, आपको जब आप सोचते होंगे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी और ऐसे भी, कि आप कहाँ से होते 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 अब आज आप कहाँ आ गए। विश्व में आपको टॉप 3 नेताओं में आपको गिना जाता है, अलग अलग सर्वेज आपके बारे में आ रहे हैं, इतना सोशल मीडिया पर इतनी ज़बरदस्त आपकी फॉलोइंग है, कभी आपका फिलोसफिकल विचार आते हैं कभी आपके मन में? पहली बार आपको मिला था प्रधानमंत्री बनने के बाद, तब भी मेरे मन में यही सवाल था कि इतने बड़े घर में आप अकेले कैसे रहते हैं। मैं पूरा घर देखता भी नहीं हूँ जी, मैं एक कमरा अपना देखता हूँ, ज्यादा देखता नहीं हूँ। एक चीज साफ दिखती है मोदी जी, कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव, ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। नहीं मोदी जी, ये जरूरी सवाल है। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो? मोदी जी, ये इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं अपनी कुर्सी को लेकर? आपको मज़ा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? यहाँ तो पत्रकारों के रूप में ऐसे मोदी भक्त छुपे हुए हैं जो मोदी को भगवान जैसा नहीं बल्कि सीधे सीधे भगवान बता देते हैं। हाल ही में वाराणसी में गंगा किनारे पीएम मोदी के लिए गए इंटरव्यू में आज तक की श्वेता सिंह उनकी तुलना भागीरथ से कर देती हैं।
मोदी को आधुनिक भागीरथ करार दे देती हैं। वही भागीरथ जो हिंदू मान्यताओं के लोगों के लिए भगवान तुल्य हैं, वही भागीरथ जिनके बारे में धार्मिकों में आम धारणा है कि स्वर्ग से गंगा को धरती पर लेकर आए हैं। देखें मोदी को भगवान बताने वाले गोदी मीडिया पर हमारी एक रिपोर्ट। कैसे नेता जो जब सियासत में आए तो राजनीति के नियम बदल दिए, जब सत्ता में आए तो कूटनीति अर्थनीति के नियम बदल दिए, उनके लिए हमने इंटरव्यू के नियम बदल दिए और उन्हें उनके ही चुनाव क्षेत्र वाराणसी में लेकर आए हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत स्वागत है आप। कुंभ में भक्त नतमस्तक हुए थे अपने आराध्य के सामने, इस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर नतमस्तक हो रहे थे अपने परम पूज नरेंद्र मोदी के सामने। आपका जब महामना से लेकर माँ गंगा तक का जो पूरी यात्रा थी, आपका नामांकन लग रहा था जैसे बनारस वासी जो है वो एक उत्सव की तरह वो मना रहे हैं। इस इंटरव्यू की तुलना प्रयागराज के कुंभ से बिना वजह नहीं की जा रही है। यहाँ भी भक्ति भावना थी, नतमस्तक भक्त थे, अगल बगल धार्मिक आध्यात्मिक माहौल था और बैकग्राउंड में घंटी आरती की लगातार आवाजें। जैसे एक भक्त अपने भगवान को महान और विशाल बताता है, वैसे आज तक के ये एंकर नरेंद्र मोदी को विशालता का एहसास करा रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे हम हिंदुस्तान के कैपिटल के मुख्य मार्ग पे चल रहे हैं। आपके विरोधी मैदान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं वाराणसी में, आपके सामने खड़ा कोई नहीं है अब वैसा। इंटरव्यू के शुरुआत में ही श्वेता सिंह ने नरेंद्र मोदी की तुलना धरती पर गंगा को ले आने वाले मिथक चरित्र से कर दी, मोदी को आधुनिक भागीरथ करार दे दिया। आपको ये लगता होगा कि एक भागीरथ है जो गंगा जी लेकर आए, जो दोबारा गंगा जी को साफ कर पाएगा वो आज का भागीरथ ही कहलाएगा। क्या निर्मलता उतनी आई है, और अगर नहीं आई है तो आपको कितना समय का दायरा लगता है? पहले तो मैं एक सामान्य इंसान हूँ, भागीरथ एक बहुत बड़ा उन्होंने, अगर उसको हम माइथोलॉजी से निकाल करके सोचे तो एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग वर्क किया उन्होंने। बनारस के घाट पर खड़े होकर मंद मंद बजती हुई घंटी की बैकग्राउंड आवाज में नरेंद्र मोदी को देवता तुल्य बताती हुई श्वेता सिंह की भक्ति प्रदर्शन चरम सीमा पर थी। चापलूसी की हद देखिए कि खुद नरेंद्र मोदी भी इससे झेप गए और खुद ही सफाई देने लगे कि वो कोई भागीरथ तुल्य नहीं बल्कि एक आम आदमी है। मगर ये मत भूलिए, जैसे भक्त वैसे उनके भगवान होते हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद को भागीरथ मानने से भले ही सीधे तौर पर इनकार किया हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो अपने आप को भागीरथ घोषित कर गए। साबरमती रिवर फ्रंट की तुलना गंगा को धरती पर ले आने से कर गए। मेरी कोशिश है कि गंगा, और गंगा एक सिंबॉलिक है, और मैंने छोटा सा प्रयोग किया साबरमती में जहाँ महात्मा गांधी जीवन के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि कुछ लोग मोदी को भगवान मानते हैं, अगर किसी की गलत धारणा भी है तो उसके इजहार की उसे पूरी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन हमारी आपत्ति इस बात से है कि ये धारणा कोई और बना रहा है जिसे हम मीडिया कहते हैं। ये हमारे दिमाग को धीरे धीरे खा रहा है, किसी को देशद्रोही तो किसी को भगवान बता रहा है। काश कि मोदी भगवान होते, कम से कम उन्हीं लोगों के लिए जो मोदी में इतनी आस्था रखते हैं। काश मोदी रोजगार के मोर्चे पर अभी तक सबसे ज़्यादा नाकाम ना होते, 2 करोड़ रोजगार का वादा करके लाखों के रोजगार ना छीन लेते, बेरोजगारी कम कर सकते, इसे किसी कीमत पर बढ़ने ना देते। काश मोदी का सबसे बड़ा फैसला नोटबंदी सफल हो जाता और ये कोई घोटाला ना होता। मोदी द्वारा लगाई गई GST छोटे व्यापारियों की बर्बादी की वजह ना बन जाती, काले धन की वापसी और भ्रष्टाचार का खात्मा सिर्फ चुनावी जुमला ना होता। काश मोदी भगवान होते उन्हीं के लिए जो उन्हें मानते हैं, ना कि उनके लिए जिनके चैनलों को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, ना कि उन पत्रकारों के लिए जो दिन रात मोदी मोदी का जाप करते रहते हैं, आम आदमी को मुद्दे से भटकाते रहते हैं और व्यक्ति विशेष का भक्त बनाने की कोशिश में पूरी तरह से लगे रहते हैं।